अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, अभी सुबह 9 बज रहे हैं और हम जो हैं पिंडी से निकल चुके हैं अपने घर से। अभी फ्यूल जो है टैंक जो है फ्यूल फुल करवा रहे हैं, फ्यूल डलवा रहे हैं इसके अंदर। तो इंशाल्लाह आगे चलते रहते हैं, रास्ता आपको दिखाएंगे, अपडेट करते रहेंगे क्या कहाँ कहाँ पहुँचे हम, किस किस जगह जा रहे हैं, तो साथ रहिएगा। तो व्यूअर्स, हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम सवाद साइड पे जाते हैं या तो फिर हम कश्मीर साइड पे। तो हमने कश्मीर की तरफ जाने का फ़ैसला किया और हम अब निकल पड़े हैं मरी रोड की तरफ। और मरी रोड से हम जो हैं श्रीनगर हाईवे से होते हुए इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद की तरफ निकलेंगे। तो रास्ता जो है चारों तरफ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इस्लामाबाद के अंदर, और जो रोड्स वगैरह हैं वो इंतहाई कहना चाहिए स्मूथ हैं, बिल्कुल ही मतलब पता ही नहीं चल रहा कि आप पाकिस्तान में चल रहे हैं या किसी बाहर मुल्क के अंदर। बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है इस्लामाबाद को। थोड़ा स्टे किया है नाश्ते के लिए और ये माशाल्लाह रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मुजफ्फराबाद से पहले ये पड़ता है माशाल्लाह रेस्टोरेंट। तो यहाँ नाश्ता करेंगे, अभी देखते हैं कैसा नाश्ता है यहाँ पे, कैसा टेस्ट है। लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। व्यूअर्स, नाश्ते का ऑर्डर हमने दे दिया है, बस नाश्ते का वेट हो रहा है। नाश्ता आता है तो फिर नाश्ता करके फिर हम आगे की तरफ चलते हैं अपने मुजफ्फराबाद। इंशाल्लाह हम स्टे करेंगे आज, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है। अंडा पराठा हमारा आ चुका है और खाते हैं इसको और फिर आपको अपडेट करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम ये आज़ाद कश्मीर में एंटर होने जा रहे हैं और ये वेलकम टू आज़ाद कश्मीर का बोर्ड भी लगा हुआ था ऊपर, और ये आगे अब ये पुलिस की चौकी है। यहाँ पे जो है ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, CNIC वगैरह चेक करते हैं। हमारे साथ फैमिली थी इस वजह से हमें इन्होंने रोका नहीं। तो और ये देखें आप साथ साथ जो है ये हमारे लेफ्ट साइड पे दरिया कुनहार जो वो बहता हुआ जा रहा है। आगे ये एक और चौकी आई है, यहाँ पे इन्होंने हमें रोका है और यहाँ पे ये हम सब पूछ रहे हैं कि NIC वगैरह के बारे में और फैमिली वगैरह के बारे में, कितने आपके साथ अफराद हैं। तो व्यूअर्स, ये अब हम जाना शुरू हो गए हैं अपने होटल की तरफ, ईगल नेस्ट कॉटेजेस। और ये पहाड़ के ऊपर पूरा रास्ता है और इंतहाई खूबसूरत कहना चाहिए ये रास्ता है। इसके जो लेफ्ट राइट साइड पर जो पूरी ये खाई है और हम पूरे मतलब इसके पहाड़ की चोटी तक जाएंगे ऊपर और इसी गाड़ी के अंदर इंशाल्लाह। अभी हम मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं और ईगल नेस्ट एक है होटल,
उसके अंदर अभी हम आए हैं, तो यहाँ अभी चेक करते हैं कि कितना रेंट है, तो फिर हम इसके अंदर इंशाल्लाह स्टे करेंगे अगर हमारे बजट के मुताबिक है तो। होटल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ सर्विस है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे 2019 में हमने स्टे किया था, 3 नाइट्स हमने स्टे किए थे, तो बहुत अच्छा था सब कुछ। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ अभी पहले हमने यहीं पे यहाँ पे आके चेक करना चाह रहे थे कि अगर ये सही होता तो इसी के अंदर हम स्टे करेंगे। तो व्यूअर्स अभी सीन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे सारे जो रूम्स हैं वो बुक हुए हुए हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ये रूम्स खोल के दिए हैं। अब ये मैं अब आपको इसका विज़िट करा देता हूँ। ये छोटी बड़ी फैमिलीज, तमाम तरह की फैमिलीज़ के लिए उनके पास यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब पुरसकून माहौल है और बहुत अच्छे यहाँ पे रूम्स हैं। और ये इन्हीं के जो हैं ऊपर एक और इन्होंने अपना सेटअप बनाया है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कॉटेजेस बनाए हैं, वो अभी बिल्कुल न्यू ही इन्होंने बनाया है, और उसका भी आपको विज़िट कराऊँगा आपको। और ये दूसरा छोटी फैमिली के लिए एक रूम है, ये देख लें, इसके ऊपर एक बड़ा बेड है और एक छोटा बेड है। हमारी कोशिश तो थी हम यहीं पे आके स्टे करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे जो हैं बुक हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं ऊपर वाला आपको विज़िट कराता हूँ जो कॉटेज इन्होंने बनाया नया। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये यहाँ ईगल नेस्ट के अंदर मुनीर भाई होते हैं, और यहाँ पे ये सेटअप है कि अगर आपने कुछ अपने पास से भी कुछ बनाना है ना, तो आप आके ख़ुद बना सकते हैं, खुद पका सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, नहीं तो फिर ये ख़ुद भी पका के देते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे टेस्ट होता है। तो व्यूअर्स ये है वो कॉटेज जो मैं आपको बता रहा था, ऊपर पहाड़ के ऊपर इन्होंने नया बनाया है, और ये रूम है एक, सही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं, और ये इसके अंदर जाके एक और रूम है। तो ये दोनों रूम्स जो थे हमने ले लिए थे, बुक किए हैं, और ये दोनों रूम्स के अंदर ये एक विंडो दी हुई है, और इस विंडो से जो बाहर का जो व्यू है वो कमाल का है, देखने वाला व्यू है। देखें आप पूरा, मतलब पूरा एरिया, ये पूरा मुजफ्फराबाद मैं तो कहूँगा पूरा दिखता है यहाँ से। और ये यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है, और ये सामने पहाड़ है, और ये पूरा शहर आपको यहाँ से दिखेगा इस विंडो से। ये एक और रूम है यहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा है, ये बड़ी फैमिली के लिए है, काफ़ी बड़ा रूम है ये, और ये एक बड़ा यहाँ पे फुल साइज़ का जो बेड है वो लगा हुआ है, टीवी है, और मैट्रेस वगैरह आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और व्यूज़, ये खाने का, रात के खाने का हमने ऑर्डर दे दिया था, खाने में हमने चिकन टिक्का और माश की दाल मंगाई थी भुनी हुई, और खाना अच्छा था काफ़ी।
अच्छा था खाना था यहाँ पे, और बस खाना खा के जो हम फिर सो गए थे।